किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार डी हिमाचल से आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम इस कार्यक्रम में हम कृषि और बागवानी के विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं आज की हमारे चर्चा का विषय है कीवी की उन्नत खेती हिमाचल प्रदेश में बहुतायत हमारे बागवानों के द्वारा फलोत्पादन किया जाता है सेब हिमाचल प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है लेकिन सेब के बाद बहुत से ऐसे नए फल भी उत्पादित किए जा रहे हैं जिनमें से एक कीवी भी है आप जानते हैं साथियों कीवी की जो गुणवत्ता है वो बहुत अधिक है और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभकारी फल है यही बात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के बागवान किसान कीवी की खेती वर्षों से कर रहे हैं लेकिन इसमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए मार्केटिंग की व्यवस्था से आप कैसे जुड़ सकते हैं अच्छा उत्पादन आपका कैसे हो सकता है अच्छा लाभ आप कैसे कमा सकते हैं यही चर्चा हम आज के कार्यक्रम में कर रहे हैं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र शिमला के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के के प्रमाणिक डॉक्टर प्रमाणिक कार्यक्रम में आपका अभिनंदन नमस्कार हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सबसे पहले उनके मन में यही प्रश्न आ रहा है कि कीवी की खेती हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर संभव है देखिए एक बहुत अच्छा सवाल आप पूछा आ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश सेब के राज्य का हिसाब से माना जाता है लेकिन आजकल जलवायु परिवर्तन और जो भी है जो बहुत सारे वेदर का जो भैगड़ी सा उसके मद्देनजर रखते हुए आजकल किसान बागवानों लोग हॉर्टिकल्चरल डाइवर्सिटी बागवानी में विविधीकरण के ऊपर जोर दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आप देखेंगे तो किवी ऐसे एक फसल आप बोल सकते हैं जो कि जहाँ शीतोसन फल होता उगाया जाता है ना तो वहाँ पर ही ये लाग सकता है शीतोसन फल का मतलब सेब का तो है ही सेब के साथ नाशपाती गुटलीदार फल जो आपका आलू खुमानी चेरी आपका प्रून बादाम मतलब जहाँ पर ही आपका ये सब फसल हो रहा है तो वहाँ पर आपका कीवी उगाया जा सकता है मतलब जहाँ पर थोड़ा ठंडा तापमान जिसके लिए जरूरत पड़ता है जैसे हम चिलिंग आवर्स बोलते हैं हाँ तो क्योंकि एक एग्जांपल आपको देता हूँ कीवी इंडिया में पहले लगा था ये बेंगलोर में लालबाग गार्डन जो बोटानिकल गार्डन फेमस होता है वहाँ लगाया गया था वहाँ तो पौधे बढ़ रहे हैं लेकिन उसमें कोई बर्डबास्ट नहीं हो रहा है मान लो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो इसके बाद पता चला जो वैज्ञानिक लोग क्यों नहीं वहाँ फ्लावरिंग आ रहा है तो वो पौधों को हम जब शिमला कंडीशन में लगाया गया तो यहाँ लगाने के बाद इसमें बस्टिंग भी हुआ फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ गया तो इसके मतलब ये शीतोसन फल है ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही ये फल लगाएगा ठीक है ना हाँ शोध का चल रहा है आगे जाके जैसे आजकल आपको पता ही है जे सेब गर्म गर्म एरिया में भी हो रहा है जो लो चिलिंग नो चिलिंग इसी तरह से उगाया गया फ्यूचर में शॉर्टकट के दौरान हो सकता है ऐसे कोई की भी आ जाएगा जिसके लिए चिलिंग आवर्स ज़रूरत नहीं पड़ेगा वो बात का बात है लेकिन अभी फिलहाल आपको मिनिमम एक आ, जो सिद्ध घंटे का जरूरत पड़ता है वो एरिया में जहाँ पर शुरू फल होता है वहाँ भी लगाया जा सकता है अर्थात हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में इसका उत्पादन हमारे बागवानों के द्वारा किया जा सकता है।, है बागवान ये भी जानना चाहते हैं कि कीवी की फसल में कीवी के फल के उत्पादन में मुख्य बिंदु क्या रहते हैं मुख्य विषय क्या क्या रहते हैं देखिए एक एक कीवी जो है एक बेल तरह होता है जैसे कि आपको अंगूर लगता है तो पहले क्या लगाने के पहले आपको आ, इसका जो दूरत्व जो कितना डिस्टेंस में लगाएंगे वो डिपेंड करता है कि कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आम तरफ से इसको तीन मीटर से छः मीटर का डिस्टेंस में भी लगा सकते हैं और एक चीज़ है कीवी में मादा और नौर पौधे अलग अलग होते हैं तो लगाने के टाइम में वो भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नाइन इस टू वन नौ आपका मादा पौधे के साथ एक नौ पौधे का जरूरत पड़ेगा तो वो भी जब लगाएंगे उसका और बाकी जैसे खेती होता है सितोसन फलों फलदार पौधे के लिए जो आपको पहले मिट्टी का जांच कर देना चाहिए कोई भी आप खेती करेंगे क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको खाद कितना लगेगा ऐसे नहीं है जो आप अपना मर्जी से खाद अप्लाई कर देंगे जे क्या कमी है आपका मिट्टी में उसके हिसाब से खाद जाएगा आजकल ये भी ध्यान देना पड़ेगा जो आप जैविक खेती करना चाहेंगे कि रासायनिक खेती करना चाहेंगे क्योंकि जैविक खेती करेंगे तो कोई रासायनिक खाद कोई रासायनिक छिड़काव कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो माइंड में होना चाहिए जो मैं कौन से खेती कर रहा हूँ तीसरा है जे आपका मैं बोल रहा हूँ जी ट्रेनिंग सिस्टम जे कौन से ट्रेनिंग सिस्टम में आपको क्योंकि ये पौधे पहले जब लगाएंगे उसके बाद इसको एक स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा ए, मैं जैसे बोला जो आंगूर का गुच्छा जैसे फॉल लगेगा तो वो उसको बियर करने के लिए इसको एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगा कभी होता है जे लोग टेलीफोन सिस्टम जैसे वायर सिस्टम उसी तरह लगाया कोई टेलीफोन सिस्टम हॉराइजेंटल होता है कभी वर्टिकल भी होता है फिर आपका कुछ पारगोला सिस्टम होता है कोई बावर सिस्टम होता है तो बा क्रॉस एंगल वायर लगा के भी चार पोल लगा के उस पर क्रॉस वायर भी कर दिया सेंटर से पौधे लगाया तो आपको पहले वो वाला चीज़ ध्यान देना पड़ेगा जी आप कौन से ट्रेनिंग सिस्टम में पौधे को लेंगे हाँ लगाने के बाद ही जरूरत नहीं पड़ेगा इसको एक साल के बाद ही जरूरत पड़ता है ये सब चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा बाकी आपका जैसे एक सिथोसन फॉलो में आपका पतझड़ हो जाता है विंटर में पतझड़ हो जाएंगे फिर काट छाट इसी तरह सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कीवी के उत्पादन में महत्वपूर्ण बात ये आपने बताई कि नर एवं मादा पौधों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद जब पौधा फैलेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर का होना बहुत अनिवार्य है इन सारी बातों को किसान एवं बागवान साथियों आपको अपने मस्तिष्क में रखना होगा ताकि वक्त आने पर आपको अच्छा लाभ उसका मिल सके यदि कीवी की गुणवत्ता की बात डॉक्टर प्रमाणिक हम करते हैं तो गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाती है कीवी की देखिए कीवी का आपको पता ही है जो पहले हम एक आ, कोरोना के टाइम में जी लोग को डॉक्टर ने सजेस्ट करता था कि आप विटामिन सी ज़्यादा लीजिए जिंक ज़्यादा लीजिए तो किवी के अंदर इसी तरह गुणवत्ता है जे उसी टाइम से ही लोग इसको लेना शुरू कर दिया जिसमें विटामिन सी ज़्यादा भरपूर मात्रा में इसको पाया जाता है बाकी फलों में जैसे हम खाते हैं जब पकने के बाद पीला आप देखा पीला फल जो जैंथोफिल ज़्यादा जो ज़्यादा होता है इसमें जो किवी में क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होता है जो आपका भेज लिपी वेजिटेबल जो साग वगैरह में होता है तो उसमें एक ए वाला फलदार पौधे फल से ए वाला खा खाने से मिलता है तीसरा होता है एम्स का डॉक्टर ये रिकमेंड किया आजकल प्लेन्स में आप देखोगे डेंगू जो डिजीज़ जो मच्छर काटने से होता है वह वो मच्छर दिन में काटता है वो मच्छर रात में नहीं काटता है जो डेंगू का जो मच्छर होता है तो वो काटने से जो डेंगू डिजीज जो हो रहा है मच्छर काटने से उसको रोकथाम के लिए एम्स का डॉक्टर रेकमेंड किया जो कीवी खाइए कीवी खाने से क्या है आपका ये जो डेंगू डिजीज में ब्लड में अंदर जो प्लेटलेट है वो घट जाता है वो इतना घट जाता है कभी कभी वो फैटल हो जाता है मतलब पेशेंट को और हम बचा नहीं पाता है तो इसलिए क्या होता है कीवी खाने से प्लेटलेट को स्टेबल कर देता है जैसे घट रहा है उसी टाइम में स्टेबल कर देता है फिर इंक्रीज हो जाता है तो इसी टाइम में आप जो बता रहा है प्लेन्स एरिया में अभी देखो बंगाल में डेंगू में प्रकोप आप देखेंगे न्यूज़ में बहुत हो गया इतना ज़्यादा पेशेंट हो गया तो वहाँ से किवी का बहुत डिमांड आ रहा है तो मेरा भी कोई रिश्तेदार है मैं बंगाल से हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं जी यहाँ से किवी भेजने के लिए तो वहाँ भी एक एक कीवी सौ रुपया करके बेचा जा रहा है मतलब जो ए, एक एक ग्रेड का जो फ्रूट है तो आप इसका मार्केटिंग का देखिए जो लोग निचले वाला क्षेत्र में तो हार्वेस्टिंग शुरू हो गया थोड़ा मध्यम और ऊंचाई वाला क्षेत्र में अक्टूबर में होंगे कुछ फर्स्ट वीकर नवंबर में होंगे तो डिमांड इसका बहुत आता है और ये जो का डिजीज हर साल ही आता है ये बरसात के टाइम में जब मच्छर का वो बढ़ जाता है गर्मी और बरसात के टाइम में तो इसलिए इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग इसको पसंद भी आजकल कर रहे हैं जे डॉक्टर जब रिकमेंड कर दिया उसके लिए वो लोग पालन भी कर रहे हैं शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए कीवी बहुत फलदायक है जहां डेंगू जैसी बीमारी से बचाने में ये हमारे को सहायता करता है वहीं प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं उनको स्थिर बनाने में भी ये सहायक सिद्ध होता है हमारे वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर लोग भी आज ऐसा कह रहे हैं कि कीवी का फल लगभग सभी को खाना चाहिए इस तरह से इसकी जो उत्पादन एवं गुणवत्ता है हम खुद भी सोच सकते हैं कि कितना लोग इसको आज के वक्त में पसंद कर रहे हैं डॉक्टर प्रामाणिक एक तो पुराने बागीचों का संरक्षण हमारे बागवान करते हैं और बहुत से ऐसे बागवान भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे जो नए बागीचों का निर्माण करना चाहते हैं या नए तौर पर कीवी का उत्पादन करना चाहते हैं पुराने बागीचों का प्रबंधन एवं नए बागीचों का प्रबंधन इसमें क्या भेद रहता है देखिए पुराना बागीचा में तो आपको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें आप फल लेना है क्योंकि चार साल के बाद फल आ जाता है अभी पुराना कितना पुराना है तो चार साल हो गया तो फल लेना शुरू कर ही दिया तो पुराना में कभी कमी जो रह जाता है कभी कभी जैसे कि ये प्रागण का अनुपात जैसे नाइन टू वन हम जो बोला जी नौर और मादा कभी कभी क्या होता है फल आने के बाद फूल आने के बाद पता चलता है जी भाई ये नर पौधे आ गया कि मादा पौधे आ गया कि नर पौधे का फूल बिल्कुल अलग उसमें कोई ओवरी टाइप जो फीमेल पर उसमें होता है मादा पौधे में मादा फूल में वो नहीं होंगे तो वो देख के कभी कभी क्या है कोई दस बीस पौधे लगा दिया लेकिन ये पता नहीं चल रहा है जो लगाने के टाइम में नौर और मादा जब फूल आएगा तभी पता चलेगा तो उसी पुराना जो बगीचा है कोई गलती हो गया जैसे कि साढ़े मादा पौधे आ गया कि साढ़े नौर पौधे आ गया तो कलम के द्वारा जो मिड टर्म करेक्शन हम बोलते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं उसमें ग्राफ्टिंग करके न पौधे में ग्राफ्टिंग करके आप ग्राफ्टिंग व बार्डिंग कुछ भी करें चश्मा लगा के व आपका ग्राफ्टिंग करके जो हमारा कलम देकर तो उसमें आप नर पौधे में मादा पौधे कर दीजिए और मादा पौधे को नर पौधे कलम बाडिंग का चश्मा लगा के कर दीजिए एक तो ये वाला हो जाएगा पुराना में गलती हो गया कि और नया में ये गलती होना नहीं चाहिए जो नया जब लगाएंगे नया लगाने के बाद आपको जो बोला जे गड्ढा देखिए फलदार पौधे के लिए गड्ढा का बहुत महत्व करता है हम हर टाइम बोलते हैं ये तीन फुट बाई तीन फुट बाई तीन फुट गड्ढा बनाना चाहिए और जब गड्ढा बनाएंगे तीन फुट के जब गड्ढा बन रहा है डेढ़ फुट का जो मिट्टी है वो अलग रखिए फिर डेढ़ फुट से तीन फुट का जो मिट्टी है वो अलग रखिए उसके बाद जैसे मैं आप मैं पहले ही बताया कि आप कौन से खेती कर रहे हैं जैविक खेती करेंगे तो जैविक खाद मिलाइए मिलाने के बाद जो ऊपर वाला मिट्टी था वो नीचे का हो जाएगा और नीचे का जो, जो मिट्टी था वो ऊपर में हो जाएगा मिक्स करके एक पौधे लगाने से एक महीने पहले ही आप गड्ढा रेडी कर दीजिए क्योंकि उसका सेटल होने के लिए टाइम लगेगा एयर स्पेस वगैरह वो सब ठीक हो जाएगा और एक चीज़ है जी पौधे आप कहाँ से ले रहे उसको पहले डिसाइड कर लीजिए जो जहाँ से पौधे लेंगे वहाँ से कांटेक्ट करके सब कुछ रेडी क्योंकि ऐसे ना हो आप गड्ढा बने बनाने के बाद पौधे ढूंढते जाओगे क्योंकि डिमांड आ रहा है आजकल कल भी खाली हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर में देखिए उत्तराखंड देखिए और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन हमारा उधर देखिए अरुणाचल प्रदेश सिक्किम दार्जिलिंग तो इस सब एरिया में भी किवी का किवी का बहुत आजकल जो फार्मर्स का क्योंकि किवी का एडवांटेज है किवी में ज़्यादा अभी ना कोई बीमारी ना ज़्यादा कुछ कीड़ा लग रहा है और किवी फॉल हार्वेस्टिंग के बाद आप जैसे ठंडा एरिया हिमाचल पर बने शिमला आ गया शिमला में हार्वेस्टिंग जैसे अक्टूबर एंड में व नवंबर फर्स्ट वीक में होता है तो उसी टाइम में फिर मार्च तक ऐसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऐसी भंडारण हो जाता है तो जल्दी खराब होने का बाकी फल जैसे आपको हफ्ता भर के बाद ही खराब होने शुरू हो जाता है तो वो एक एडवांटेज है जे का तो ये सब देखते हुए जे लगाइए और क्या क्या अनुपात में लगाना है जैसे बताया कितना दूरिया में लगाना है ये सब नया में करना चाहिए और पुराना में एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा जे इसका वेजिटेटिव ग्रोथ जो हम बोलते हैं ना जी इसका जो ग्रोथ जो आ जाता है मैंने पत्ते लेकर तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका अनुपात में क्या करते हैं हम रिकमेंड करते हैं दो पत्ते के साथ एक फॉल ठीक है ना टू इज टू वन में करना चाहिए कभी कभी तो वन इज टू वन क्योंकि इतना फॉलियज ज़्यादा हो जाता है और इसका गुच्छा जैसे नीचे लागता है तो आपको ऊपर से सनलाइट भी चाहिए सूर्य का किरण भी चाहिए एयर स्पेस भी चाहिए सब कुछ क्योंकि कभी कभी, -कभी नहीं तो फॉल बहुत छोटा रह जाता है जो पुराना आप बोला बगीचा लोग उसको ध्यान देना चाहिए कि इसका अनुपात ठीक हो ठीक से इसका सनलाइट भी आए इसका एयर भी फ्लो जो हम बोलते हैं वातावरण उसका भी ठीक रहे तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा तभी इसको साइज ठीक होंगे और कभी कभी साइज बढ़ाने के लिए कुछ बायोकेमिकल कंपाउंड होता है साइटोफिक्स बोल के सी उसको डिपिंग करके व स्प्रेइंग करके भी किवी का फ्रू साइज इंक्रीज़ हो सकता है किवी के पौधों का प्रवर्धन की प्रक्रिया क्या रहती है कैसे पौधों का प्रवर्धन किया जा हाँ ये भी अच्छा सवाल पूछा देखिए लोग कीवी का कट छंट के बाद तो फेंक देते हैं तो इसका जो है हार्डवुड कटिंग जो विंटर में जैसे सर्दी का टाइम में चार बार लागने के बाद पुर्निंग करता है तो उसका जो वेस्ट हो जाता है जो चाहेंगे उसको नर्सरी में उगा सकते हैं इसके लिए एक ग्रोथ रूटिंग हार्मोन हम देते हैं हमारा स्टेशन से क्योंकि कभी कभी फार्मर्स रूटिंग हार्मोन बनाना बना, उसको बनाने के लिए प्रॉब्लम आता है ना तो इसलिए वो रूटिंग हार्मोन लगा के कटिंग को तो कैसे उसको लगाएंगे तो उससे भी पौधे उगा सकते हैं और बाकी प्रवर्धन के लिए क्या है इसको जो इसका जो सीड जो आपका छोटा बा खराब हो गया जो फ्रूट उससे सीड निकाल के जो सीडलिंग आएगा वो शीडलिंग के ऊपर फिर एक साल जब शीडलिंग हो जाएगा उसके ऊपर फिर ग्राफ्टिंग करके उसको भी प्रबर्धन कर सकते हैं आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि कीवी के जो पौध है कीवी का जो बागीचा है वो कब हमारे बागवानों को लगाना चाहिए और बागीचा लगाने के बाद मुख्य प्रबंधन क्या रहता है देखिए का कीवी का जैसे मैं बोला सिथोसन फॉल ये भी एक सिथोसन फॉल है इसमें पजझड़ भी हो जाता है तो हम कोई भी पौधे शीतोषण फॉलो को लगाने के लिए हम बोलते हैं जब पौझड़ हो जाता है जब सुप्त अवस्था में चला जाता है डॉलमैंसी जो बोलते हैं उसी टाइम में लगाना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है जो पौधे में भी जान है ये तो हमारा विज्ञानी जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने बोल के ही किया जी भाई उसमें भी पेड़ में भी, में भी जान है तो देखिए उसको भी जब काटेंगे तो उसका भी एक होता है फीलिंग्स ये हमारा जैसे कुछ एनेस्थीसिया या करके ऑपरेशन करते हैं ना तो पौधे में भी जब जान है तो वो जब सुप्तावस्था में चले जाए वो तो उसी टाइम में आप जब काट करेंगे तब तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है नहीं तो उसमें से सैब निकल जाता है तो ये ये विंटर में आपका दिसंबर एंड से लेकर मार्च फर्स्ट वीक तक ये ऑल्टीट्यूड कौन से नीचे वाला क्षेत्र में लगा रहा है मध्यम ऊंचाई वाला लगा रहे हैं कि ऊंचाई वाला क्षेत्र लगा रहे उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा जो दिसंबर एंड से लेकर मार्च फर्स्ट वीक तक तो आप तो लगा सकते हैं कभी कभी आपका स्नोफॉल व टेम्परेचर बहुत लो मार्च फिफ्टीन मार्च व एंड ऑफ मार्च तब तो आप लास्ट तक तो भी लगा सकते हो जेनरली आप दिसंबर एंड से मार्च फर्स्ट वीक तक तो पौधे लगा सकते हैं डॉक्टर प्रमाणिक हमारे बागवान ये भी जानना चाहते हैं कि कांट -छांट आपने कहा बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलना भी फलों को नितांत आवश्यक है और हवा का गमन होना तो, भी बहुत तो, जरूरी है कांटछांट का तो बहुत महत्व है लेकिन बागवानों के मन में एक प्रश्न ये भी है कि बीमारियां इसको कितना प्रभावित करती है और कीट का आतंक कीवी के पौधे पर कितना रहता है देखिए एक तो है जो बागीचा में आप जब तलिया साफ़ सुथरा रखेंगे तब तो बीमारी कम ही हो जाता है जो लोग नेगलेक्टेड ऑर्चर्ड हम बोलते हैं ना कोई देखभाल नहीं करेंगे उसमें आ, पत्ता घास सब कुछ आ रहा है तो उसी हिसाब से पहले तो आपको एक ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट हम जो बोलते हैं जो भाई बगीचा का जो तुलिया वगैरह ये साफ़ सुथरा रख दीजिए उसमें आपका सूर्य का किरण तुलिया में भी आए और थोड़ा सिंचाई टाइमली करे वो वो वाला है व ऐसे ना हो बरसात के टाइम में उसमें पानी का जम जाए तो उसके लिए ड्रेनेज का फैसिलिटी भी रखना चाहिए तो कि भी बहुत कम रखता है लेकिन आजकल आप ठीक बोला जे आ, कोई भी ऑर्चर्ड में बगीचा बा, में जैसे आ, कोई फाइट रूट रॉट जो जड़गलन रोग होता है सफ़ेद वाला जड़गलन रोग तो उसका प्रकोप बहुत होता है सेब सेब वाला बगीचा में कि नाशपाती वाला बगीचा में तो वो क्या होता है वो सारे पद में चला जाता है तो वो किबी में भी आ सकता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में डेंचिंग वगैरह मैं जैसे बोल रहे है कभी वेबिस्टीन से डेंचिंग कभी जड़ में एक्चुअली ऊपर से तो जड़ का हम देख नहीं पाता है जो जड़ में क्या हो रहा है तो पौधे का लक्षण माने आपका पत्ते वगैरह देख के उसका ग्रोथ देख के हम पता चल करते हैं कि भाई नीचे कुछ गड़बड़ हो रहा है ऊपर वाला देख के तो आप छिड़कव वगैरह कर देते हैं लेकिन नीचे क्या हो रहा है तो वो सब थोड़ा वो देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो बागीचा में जाते हैं जो हमारा जो बंधु बागवानों भाइयों जो है जो बगीचा में देख के वो बोल देंगे जी ये पौधे सोचता है कि ये पौधे में कुछ प्रॉब्लम है तो उसी टाइम में आपको थोड़ा डेंचिंग करना पड़ेगा बेबिस्टिन जो केमिकल्स है बा कोई इंसेक्टिसाइड जो क्लोरोपाइडिफॉस वो वाला देकर जो कुछ जड़ में कोई ऐसे कोई बोरा टाइप कुछ नहीं लगा ये सब देखना पड़ेगा अदरवाइज़ कि में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होते है जैसे कि आप आ, आ, बात कर रहे हैं जे हिमाचल प्रदेश में मंकी का बहुत प्रॉब्लम है आपको पता ही है जिस सारे फॉल में नुकसान कर रहे हैं अभी तक की भी उसके अंदर की भी फॉल आप देखेंगे जब मैच्योर होने से पहले उसके ऊपर एक हेयर्स रहता है जो कि खरस भी कई कई आदमी को वाला जब चला जाता है हेयर्स मुंह में थोड़ा एलर्जी टाइप सो करता है तो बंदर को भी पता नहीं तो वो आ, ज़्यादा नुकसान नहीं करता है हाँ ऐसे नुकसान पौधे को उखाड़ दिया द, आ, आ, आपका ब्रांचेस को तोड़ दिया लेकिन आ, ऐसे खाने खाने का अभी वो कर नहीं रहेगा वो हेयर्स के कारण से लेकिन एक हिल मैना बोल के एक पंछी है ना जो हिल मैना लॉन्ग टेल माने लम्बा पूज वाला देखेंगे वो किवी को होठों से लेकर बहुत दूर चला जाता है वो हमारा बागीचा में हम देखा तो उससे रोकथाम करने के लिए आपको थोड़ा आ, नेट का उपयोग करना चाहिए देखो नेट का एक एडवांटेज है आ, आपको पहले बोला जे क्लाइमेट चेंज व व वेदर इस बहुत सारे कुछ हो रहे उसके कारण से क्या है जब फूल आएगा उसी टाइम में आपका हेलिंग होके बहुत नुकसान करता है आपको पता ही है जो लोग एंटी हेल नेट लगाते हैं तो एंटी हेल नेट आप लगा देंगे पौधे में तो वो एक तो हेल से आपको डैमेज क्या रोकथाम हो जाएगा दूसरा इसी तरह कोई पंछी व और भी कोई कीड़ा लिजर्ड वगैरह ऐसे कुछ डैमेज से वो भी बच जाएगा तो ये ये वाला कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के बागवान और किसानों के सामने डॉक्टर प्रमाणिक एक समस्या बहुत आती है कि बंदर यहाँ पर फसलों को बहुत तबाह करते हैं ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि बंदर भी इस फसल का नुकसान नहीं कर पाते एक मैना नाम की पक्षी जिसका आपने जिक्र किया उसका तो हमारे बागवानों को ध्यान रखना ही पड़ेगा बागवान ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें कैसे आभास होगा कि हमारे जो फसल है वो पक चुकी है और तुड़ान का सही वक्त क्या रहता है देखिए एक आ, मैं पहले ही बताया जे ये सबसे लंबा टाइम लेता है कि भी जब फ्रूट सेटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक आ, आप देखोगे जे इसमें मई फर्स्ट वीक में ही आपका आ, फ्लावरिंग आके इसका फिर उसके बाद फ्रूट सेटिंग शुरू हो जाता है और जाके हार्वेस्ट होता है अक्टूबर में नवंबर फर्स्ट चले जाते हैं तो आ, एक तो है इसका जो ऊपर में हेयर मैं बोल रहा हूँ फ्रूट के ऊपर जब मैच्योरिटी स्टेज में आएंगे एक तो वो हेयर कोई भी कपड़ा व कुछ में से वो करेंगे तो इजीली रिमूव हो जाता है तो उससे आपको पता चलता है जी इसका तोरण का टाइम आ गया और दूसरा है जी इसका एक बायोकेमिकल टेस्ट करके जैसे कुछ फ्रूट से आपका इसका टीएसएस जो हम बोलते हैं उसमें टेस्ट करेंगे तो 7.2 डिग्री ब्रिक्स जब आ जाता है वो भी एक तरीका है जो इसको हार्वेस्ट करने के लिए बाकी जैसे होता है जे निचले वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा जल्दी पक जाता है उसके बाद मिड हिल्स जो है मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्र उसमें आएगा फिर ऊंचाई वाला क्षेत्र में पकेगा तो वो वाला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाता है कभी कभी फ्रूट ज़्यादा पकता नहीं है व साइज कम हो जाता है तो वो भी एक ध्यान देना पड़ता है बाकी कुछ किस्में ऐसे हैं जो कि निचले वाला क्षेत्र के लिए सुटेबल uh, होता है फिर कुछ किस में मिडिल मिडिल्स के लिए कुछ किस हाई के लिए वो वो ध्यान रखना पड़ेगा जब लगाने के टाइम में मार्केटिंग की व्यवस्था का समझ होना हमारे बागवानों के लिए बहुत ज़रूरी है बागवान खेतों में परिश्रम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कई बार जब फल को बेचने की बारी आती है तो उनको मार्केटिंग का अच्छा आभास नहीं होता उनको ये भी पता नहीं होता कि किस मार्केट में उनको अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तो मार्केटिंग व्यवस्था को हमारे बागवान कैसे समझे और लगभग कितना मूल्य चला जाता है कि कितने रुपये किलो बेची जा सकती है देखिए आजकल लोग को मोबाइल ऐप के द्वारा गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम मार्केटिंग के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आ, आ, आ रहे हैं तो ऐसे नहीं है जी पैसले पह, पहले जैसे कुछ पता नहीं चलता था जो आजकल डिफरेंट प्लेसेस में भी मार्केटिंग फैसिलिटी कर रहे हैं जो आप देखेंगे कोई कोई एरिया में कौन प्रॉपर मार्केट प्लेस हो रहा है जहाँ पर आपको आपका जो फ्रूट ले आके अच्छा पैसा मिल सकता है तो आजकल जो प्रॉपर ग्रेडिंग पैकिंग का बहुत ज़रूरी पड़ता है आ, क्योंकि आ, कभी कभी होता है जे फार्मर्स हमको भी बोलते हैं जो मार्केट में हम कि भी ले गया था लेकिन आ, ज़्यादा पैसा नहीं मिला बीस रुपया पच्चीस रुपया किलो लेकिन आ, हम बोला जो इतना तो नहीं होना चाहिए बीस पच्चीस रुपया किलो तो कैसे ले गया तो बॉडी भर के ले गया गलत तो वो वो गलत तरीका है ना आप आपका प्रोड्यूस बड़ी भर के ले गया तो बड़ी भर के वो लोग आलू के हिसाब से दाम 20-30 चालीस रुपया जैसे होता है उसी हिसाब से दे रहे हैं लेकिन हम बोलते हैं इसको प्रॉपर ग्रेडिंग करिए ग्रेडिंग का तरीका है जो सत्तर ग्राम और उसका ऊपर जो होता है उसको ए ग्रेड रखिए पचास से सत्तर ग्राम का बी ग्रेड करिए पचास से नीचे सी ग्रेड तीस से पचास और तीस ग्राम से नीचे कर दिए डी ग्रेड तो इसी तरह आप ग्रेडिंग कर देंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा डॉक्टर प्रमाणिक ये बात आपने बहुत बढ़िया कही कि ग्रेडिंग और पैकिंग करके जब आप बढ़िया तरीके से अपने सामान को मार्केट में पहुंचाएंगे तो उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा डॉक्टर प्रमाणिक आज इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की है और कीवी की उन्नत खेती के विषय में आपने हमारे बागवानों को बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है आपके द्वारा दी गई ये जो सलाह है ये हमारे बागवानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो इसी के साथ आपका आज इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत आभार और दर्शकों आज के कार्यक्रम में कीवी की उन्नत खेती कैसे होनी चाहिए आ, कौन कौन से मुख्य पहलू है जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए मार्केटिंग व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है यदि बोरे में भरकर आप कीवी मार्केट ले जा रहे हैं तो आपको मूल्य अच्छा नहीं मिलेगा आपको ग्रेडिंग पैकिंग को समझना बहुत अनिवार्य है ये कहना है डॉक्टर प्रमाणिक का आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करें आज्ञा दें नमस्कार नमस्कार